एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशंस का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड एज डायरेक्टेड, इट मींस ये जो हमें सम्स गिवन है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, इन्हें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। सो 5 2x + 1 3x + 5 डिवाइडेड बाय 2x + 1, राइट। सो स्टूडेंट, 2x + 1 ये पूरा एक एक्सप्रेशन है हमारा, राइट। सो 2x + 1 2x + 1 दोनों मतलब सिंगल टर्म्स है, राइट। सो 2x + 1 2x + 1 ये दोनों हम कट कर देंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 3x + 5। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स के सेकंड पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। सो सिमिलर स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट भी इसी तरह से करेंगे। 26xy (x+5) - y (y-4) डिवाइडेड बाय 13x (y-4), राइट। सो स्टूडेंट, इसको हम जिस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 26 × x (y-4) डिवाइडेड बाय 13 × x (y-4), राइट। सो 13 और 26 इन दोनों को कट कर लेते हैं। 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, राइट। एंड x को x से कट कर देंगे, राइट। y-4 और y-4 ये दोनों टर्म्स कट हो जाएगी, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2y (x+5). ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स के थर्ड पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स का थर्ड पार्ट करना स्टार्ट करते हैं, मींस इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, राइट। सो 52 PQR (P+Q, Q+R, R+P), राइट, डिवाइडेड बाय 104 PQ (Q+R, R+P), राइट। सो जिस तरह से 52 है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह से 52 × P (Q+R, R+P), राइट, डिवाइडेड बाय 104, मींस टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 52 × 2, मींस 52 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरा 104 आएगा, (P)Q (Q+R, R+P), राइट। सो Q+R दोनों कट हो जाएंगे, R+P दोनों कट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 52 को 52 से कट कर देंगे, 52 × 52, राइट। एंड P को हम P से कट कर देते हैं, Q को हम Q से कट कर देते हैं, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, R P + Q मीन्स 1/2, 1 नीचे क्या रह गया हमारा, 2, 1 R P + Q। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इसके फोर्थ पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट इसके फोर्थ पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। 20y + 4y² + 5y + 3 ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल है, डिवाइडेड बाय 5y + 4, राइट। सो 20 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20, राइट। y + 4 y + 4 ये सिंगल टर्म से दोनों, इन दोनों को कट कर लेते हैं। सो आंसर हमारा क्या रह गया, 4y² + 5y + 3। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स के फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसके फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। सो x x + 1 x + 2
एंड एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स एक्स प्लस वन, राइट। सो एक्स को एक्स से हम कट कर लेंगे, राइट। सो एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, ये दोनों एक ही टर्म्स है, इन दोनों को भी हम कट कर लेंगे, राइट। सो इसका आंसर क्या रह जाएगा हमारा, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये चलो समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।